हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के लिए फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और साथ ही साथ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट्स, आप सेट के बारे में सुने होंगे, बहुत तरह का सेट होता है, जैसे आपके कपड़े का सेट है, किचन सेट है, बर्तन का सेट है, सोफा सेट है, बच्चों को खेलने का आता है बहुत सारा खिलौना, उसका सेट होता है, टी सेट होता है, बहुत सारे सेट्स होते हैं। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी सेट्स हैं, बहुत सारे सेट्स हैं, जैसे नंबर्स का सेट है। तो यहाँ पे हम सेट्स में आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स में कौन कौन सा नंबर्स होते हैं आप लोग पहले से जानते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का सेट होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जैसे आपका मान लीजिए कोई भी सेट है ए, या नेचुरल नंबर का सेट एन से डिनोट करते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, ये सब नेचुरल नंबर का सेट है। जेड क्या है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये क्या है? इंटीजर्स मतलब जो भी निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, तो ये सारे क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। निगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। उसी तरह द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो। उसी तरह आर है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सके, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। उसी तरह है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में हम जीरो और ये -2 -1 को छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4 आएगा। उसके बाद द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे सेट है नंबर्स का, इसके बारे में हमें जानना है, और साथ ही साथ सेट्स के और भी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत ही जरूरी है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट क्या है। तो सेट क्या है? सेट मैथमेटिक्स में किसको बोलते हैं? तो सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है देयर इज नो एम्बिग्यूटी, मीन्स एम्बिग्यूटी मीन्स अस्पष्टता नहीं हो, जैसे कि अनेक अर्थ नहीं हो। जैसे हम बात करते हैं सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, तो कोई भी सेट हम बात कर रहे हैं तो 2, 4, 6, 8 ये होगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम क्लियरली बता पा रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इवन नंबर लेस देन 10 2, 4, 6, 8 होगा। लेकिन वहीं पे हम यदि बात करें कि सेट ऑफ 10 टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, 10 टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे अस्पष्टता नहीं है, यहाँ पे एम्बिग्यूटी है। किसी के लिए तेंदुलकर टैलेंटेड होगा, किसी के लिए गांगुली होगा, किसी के लिए द्रविड़ होगा, किसी के लिए धोनी होगा, किसी के लिए विराट कोहली होगा, तो यहाँ पे अस्पष्टता नहीं है कि हम कौन सा सेट बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? वेल डिफाइंड है। ये क्या है? वेल डिफाइंड है। लेकिन जैसे ही हम 10 टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया बोलेंगे तो वहां पे भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसको सेट में ले और किसको सेट में नहीं ले। तो हम आगे बताते हैं और भी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से इसका नोटेशन क्या क्या है, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। पहला पॉइंट है सेट। सेट क्या है? हमने डिस्कस कर लिया है, ए वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग तो हम लोग जान गए हैं कि देयर इज नो एम्बिग्यूटी। अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है? अनऑर्डर्ड मीन्स कोई भी सेट है आपके पास ए बी सी, तो इसको आप सी ए बी भी लिख सकते हैं या इसको आप बी सी ए भी लिख सकते हैं, इसमें ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, अनऑर्डर्ड होना चाहिए। अनऑर्डर्ड भी चलेगा, मतलब किसी भी तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एबीसी लिखिए, सीए भी लिखिए या बीसीए,
लिखिए। और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, अलग अलग होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे आप लिखेंगे कि ए ए बी सी, तो रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप ए ए बी सी करें तो थ्री ही एलिमेंट्स हैं इसमें, जब थ्री ही एलिमेंट्स हैं तो ए रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। ए बी सी यानी कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए बस। दूसरा पॉइंट है सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जब भी सेट को आप डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी कैपिटल, एक्स वाई जेड एटसेट्रा, इसको कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ सेट, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ सेट ऑल आर सिनोनिमस। सिनोनिमस मतलब सबका मीनिंग एक ही है, जैसे ए बी सी है तो इसको हम लोग मेंबर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट भी बोल सकते हैं या एलिमेंट ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए, और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सेट हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। यदि इंग्लिश अल्फाबेट यूज कर रहे हैं सेट के लिए, तो जो एलिमेंट्स है या मेंबर ऑफ सेट है वो क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा। उसके बाद इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां पे क्या है, ए क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये स्मॉल ए इज द एन एलिमेंट ऑफ सेट ए है, ए का एक एलिमेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, क्या बोलेंगे, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। और इसके लिए सिंबल क्या यूज होता है, ये सिंबल होता है ए बिलोंग्स टू ए, ये जो एप्साइलन है ये ग्रीक सिंबल है, ग्रीक सिंबल, और इसको हम लोग एप्साइलन भी बोलते हैं, एप्साइलन। तो ये ग्रीक सिंबल जिस जो डिनोट करता है किसको, बिलोंग्स टू को। एप्साइलन का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। नेक्स्ट पॉइंट है इफ बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम लोग लिखेंगे बी नॉट बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल देख रहे हैं एप्साइलन सिंबल होता है, जैसे बी एप्साइलन ए, तो इसका मतलब हो गया बी बिलोंग्स टू ए। और जब नॉट बिलोंग्स टू ए है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, जैसे कि ए इज इक्वल टू बी होता है, जब इक्वल टू नहीं होता है तो इक्वल टू क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इसी तरह एप्साइलन को हम लोग काट देंगे तो नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। उसके बाद है देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम स्टेटमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म हम लोग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, मीन्स जितने एलिमेंट्स हैं सभी को लिखना है। ये रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होगा वो सारे को लिखना है, और द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना है, एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस दिस ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट में उसको इनक्लोज कर। तो इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, मीन्स रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो सभी एलिमेंट्स को सेपरेटली लिखना है और उसके बीच में कॉमा देना है और फिर उसको इस ब्रैकेट में इनक्लोज करना है, मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन ए ब्रैकेट दिस ब्रैकेट। जैसे मान लीजिए कोई सेट है, ए सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन सेवन, सेवन से लेस, सेवन से कम, वो सारे नंबर्स जो इवन है उसका एक सेट हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इवन नंबर्स क्या क्या हो जाएगा, टू फोर सिक्स जो सेवन से कम है, तो क्या सभी नंबर्स को हमने लिस्ट किया यहाँ पे और सबके बीच में क्या है, कॉमा
कॉमा है और उसको हमने एक ब्रैकेट में इनक्लोज किया, इसी ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। यदि आप 2, 4, 6 ऐसे ब्रैकेट में करेंगे तो ये रॉन्ग माना जाएगा, या 2, 4, 6 ये ऐसे करेंगे तो ये भी रॉन्ग माना जाएगा, उसका सही नोटेशन यही है। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी व्हिच इज। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम स्टेटमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, यानी जितने भी एलिमेंट है उसका एक ही सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगा, व्हिच इज नॉट पोजेज्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, और उस सेट के बाहर जो भी एलिमेंट होगा उस प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, उस प्रॉपर्टी को पोजेज नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए सेट ऑफ भॉवेल अल्फाबेट, भॉवेल अल्फाबेट, तो सेट ऑफ भॉवेल अल्फाबेट जैसे है, मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक सेट है, इसका एक कॉमन सिंगल प्रॉपर्टी क्या है कि ये भॉवेल है, ठीक है। तो भॉवेल को हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ए इज ए सेट, ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज भॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये पांच को छोड़ के इंग्लिश अल्फाबेट में दूसरा या छठवां कोई भी भॉवेल नहीं है, मींस ये एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गया कि इस सेट का कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सभी भॉवेल हैं, पांच को छोड़ के छठा कोई भॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट में नहीं होता है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए इज ए सेट ऑफ एक्स, ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज भॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट, मींस इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ए इज ए सेट ऑफ एक्स, और ये जो विसर्ग दिया हुआ है दो पॉइंट, तो ए इज ए सेट ऑफ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सच दैट ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज भॉवेल या भॉवेल अल्फाबेट। उसके बाद हम पहले ही बता चुके हैं, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमेटेरियल, मींस ऑर्डर, इसका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे आप ए ई आई ओ यू लिखिए या ई ए ओ आई यू लिखिए, एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट है। और दूसरा है कि इट इज ऑल्सो नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स इज नॉट रिपीटेड, मींस मान लीजिए एक सेट है, ए सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग वर्ड स्कूल, फॉर्म ए सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग वर्ड स्कूल, तो स्कूल में जितने लेटर्स हैं उससे किन किन लेटर्स से मिलके ये स्कूल वर्ड बना है उसका सेट यदि हम लिखेंगे, तो ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एस सी एच ओ ओ एल, कॉमा दे सकते हैं, लेकिन क्या बोले, एलिमेंट्स इज नॉट रिपीटेड, मीन्स एलिमेंट्स को रिपीट करना जरूरी नहीं है, इसको हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, एस सी एच ओ एल,
मीन्स ये जो स्कूल वर्ड बना है वो किस किस लेटर से बना है? एस से बना है, सी से बना है, एच से बना है, ओ से बना है और एल से बना है। तो दो बार ओ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। लेकिन उसके पहले हम रोज एक यूएफओज बताते हैं। यूएफओज का मतलब है अनबिलीवेबल फैक्ट ऑफ साइंस। तो आज का यूएफओज क्या है वो हम अब बताने जा रहे हैं। तो यूएफओज आज का है बेल नंबर। बेल नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ ए सेट। कोई भी सेट है, मान लीजिए एक सेट है ए बी सी, तो इसको कितने तरीके से हम पार्टीशंस कर सकते हैं? तो इसको हम लोग कर सकते हैं ए बी सी, ये पार्टीशन हो गया ए बी सी। दूसरा तरीका है आप ए बी को एक साथ रखिए और सी को अलग रखिए। तीसरा तरीका है आप ए सी को एक साथ रखिए और बी को अलग रखिए। और 1 2 3 3 पार्टीशन हो गया। उसके बाद एक और है बी सी को एक साथ रखिए, बी सी और ए को अलग रखिए और फिर तीनों को एक साथ रख दीजिए। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 5 हो गए। तो 5 इज ए बेल नंबर। 5 को बेल नंबर बोला जाता है। उसी तरह ये B3 से डिनोट करते हैं। 3 क्यों? क्योंकि इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि बेल नंबर्स इज डिनोटेड बाय BN, BN, वेयर N इज होल नंबर। N क्या है? होल नंबर है। ये BN क्या है? बेल नंबर। और एन के जगह में क्या होगा? होल नंबर होगा। तो जब आप एन इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एन इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होगा B0। और एलिमेंट्स कितने होंगे? एम्प्टी सेट्स होंगे ये, यानी कि ये एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का पार्टीशन क्या होगा? एक ही होगा। तो इसका मतलब B01 होगा, यानी 1 इज ऑल्सो ए बेल नंबर। उसी तरह एन इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे B1 कितने एलिमेंट्स होंगे? एक ही एलिमेंट्स होंगे। एक ही तरीके से पार्टीशन हो सकता है इसका। तो इसलिए दूसरा जो बेल नंबर है B1, ये भी 1 ही है। इसी तरह आप बेल नंबर निकाल सकते हैं। यदि 2 एलिमेंट्स होगा तो कितना होगा? 3 होगा एलिमेंट्स, तो कितने होंगे? 4 होंगे तो कितने होंगे? तो इस तरीके से कितने तरीके से आप किसी भी सेट को पार्टीशन कर सकते हैं वही बेल नंबर होगा। Which of the following are sets? Exercise 1.1 का question number 1 है, जिसमें आपको सेट पहचानना है कि कौन सा सेट है या कौन सा सेट नहीं है। तो आपको चेक करना है कि कौन सा वेल डिफाइंड है और कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जे से शुरुआत होने वाले, जे लेटर से शुरुआत होने वाले जो भी मंथ है, जैसे कि जनवरी है, जून है, जुलाई है, तो ये तो वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये सेट है, वेल डिफाइंड है मतलब सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड, कैसे हम निर्णय करेंगे कौन सा मोस्ट टैलेंटेड है? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया हम निर्णय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है? एम्बिग्यूटी है, मीन्स वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। दूसरा है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, वर्ल्ड का या इंडिया का। तो ये भी क्या है? सेट नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। किसी भी क्लास में जितने बॉयज है उसका सेट जो है क्लियर होगा, वेल डिफाइंड होगा, इसलिए ये सेट है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो 100 से जितने भी लेस देन नेचुरल नंबर है, नीचे 100 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है हम उसको लिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट होगा। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए सभी नॉवेल्स, ये भी वेल डिफाइंड होंगे। अब बेस्ट कौन होंगे? बेस्ट जब रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे
कितने वो लिखे हैं, कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, उसको हम लिस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए वेल डिफाइंड होगा और ये एक सेट होगा। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी एक सेट होगा। उसके बाद है आपका द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो जितने क्वेश्चंस है उसका जो सेट होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, इसका मतलब ये सही है। और एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन है, तो इसलिए क्या है, ये सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, लेट ए इज ए सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, एप्साइलन एंड नॉट एप्साइलन इन द ब्लैंक स्पेस, या तो ये सिंबल भरना है, ये सिंबल भरना है। तो देख सकते हैं कि 5 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, तो 5 इज ए एलिमेंट ऑफ ए है तो आपको ये सिंबल देना है। 8 इस सेट में है, नहीं है, तो इसको आप क्या, कौन सा सिंबल देंगे, ये सिंबल देंगे, एप्सिलॉन देके उसको काट दीजिए। 0 भी इस सेट में नहीं है, एप्सिलॉन देके काट दीजिए। उसके बाद 4 इसमें है, इस सेट में है, तो 4 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको एप्सिलॉन दे दीजिए। यहाँ पे 2 भी है तो ये सिंबल होगा, और 10 नहीं है तो आपको ये सिंबल देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला है ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, -3 इज लेस देन एक्स, तो क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहां तक जाना है, लेस देन 7 तक जाना है, तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। उसके बाद है बी इज अनदर सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो सिंपल है, जो भी नेचुरल नंबर है 6 से उसको लिख देना है 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 से कम नेचुरल नंबर का सेट। उसके बाद सी इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी जिसके डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो जैसे सी इज इक्वल टू आप लिखेंगे तो 1, 7, 1 + 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह 71, 7 + 1, 8 होगा। फिर 26 हो सकता है, 2 + 6, 8 हो जाएगा। फिर 62 भी होगा, उसके बाद 35 हो सकता है और 53 हो सकता है। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिसके डिजिट्स का सम क्या है, 8 है। उसके बाद डी इज ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60 का ऐसा डिवाइजर जो प्राइम हो, तो कौन कौन सा हो सकता है, तो 2 हो सकता है, 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 हो सकता है, 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 5, 2, 3, 5 60 का डिवाइजर भी है और प्राइम नंबर भी है। उसके बाद ई में है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड में जितने लेटर्स हैं उसका एक सेट, तो क्या क्या है, तो ई में टी आर आई जी ओ एन ओ, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ रिपीट हो जाएगा, हमने बताया है कि रिपीट नहीं करना है, तो ओ एन ओ छोड़ देंगे। फिर एम ई टी, टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी पहले लिख चुके हैं, आर भी पहले लिख चुके हैं, और वाई, तो रिपीट नहीं करना है, बस ध्यान रखना है। उसके बाद सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो बेटर वर्ड जो बना है किस किस लेटर से बना है उसका एक सेट रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, बी ई टी आर, टी और ई दो बार है, उसको हमें रिपीट नहीं करना है। फोर्थ नंबर है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में है, अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला है 3, 6, 9, 12, ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल लेस देन 13,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर वन को a इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री लेस देन 13। ये लिख सकते हैं यानी 3 का मल्टीपल जो 13 से कम हो तो क्या क्या होगा, 3, 6, 9 और 12 ही होगा। नंबर 2 में देखिए 2, 4, 8, 16, 32 है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, 2 टू द पावर n है, यानी कि n इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो क्या होगा 2, और 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या होगा 4 है, उसके बाद 2 टू द पावर 3 n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 8। तो देख रहे हैं 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 5 है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर में है 5, 25, 125, 625, तो ये भी उसी फॉर्म में है, 5 टू द पावर 1 5 होता है, 5 टू द पावर 2 25 होता है, 5 टू द पावर 3 125 होता है और 5 टू द पावर 4 625 होगा। तो ये भी 5 टू द पावर n के फॉर्म में है जहां n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 होगा। तो सेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको b कर दीजिए, दूसरा है तो इसको c कर देते हैं। c इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। उसके बाद 4 नंबर देखिए क्या है, 2, 4, 6 डॉट है, इसका मतलब n तक जाना है, यानी इवन नंबर का सेट है ये। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इवन नंबर। और फिफ्थ नंबर में देखिए ये e है x सच दैट x 1 है, 4 है, 9 है, यानी कि 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है और ये 10 स्क्वायर है। तो ये क्या है, स्क्वायर नंबर लेस देन 11, नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर लेस देन 11 मींस एक्स इज दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर लेस देन 11, या इसको हम लोग लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 11। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये तो ऑड नेचुरल नंबर, इसको आप कैसे लिस्ट करेंगे, तो 1, 3, 5 डॉट दे दीजिए, हो गया। उसके बाद दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर which is minus where minus half is less than x is less than 9/2 means x जो होना चाहिए minus half और 9/2 के बीच में होना चाहिए। minus half का मतलब है minus 0.5 and 9/2 का मतलब है 4.5। तो 0.5 और 4.5 के बीच में जो भी integers है उसका set क्या होगा, तो उसका set हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, ये उसका सेट होगा। उसके बाद x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर यानी कोई भी नंबर्स जिसका स्क्वायर क्या हो 4 या 4 से कम हो, ऐसा सेट किसका किसका बनेगा, 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा। उसके बाद सबसे पहले माइनस देखते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, ये सेट बनेगा। उसके बाद x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, तो लोयल किस किस लेटर से बना है, l o y a l